हमने बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली है कि सेवा कार्य प्रशिक्षण क्या है, क्यों किया जाता है, कि इसको आयोजन के लिए किन किन माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, इसके द्वारा क्या क्या सुधार होते हैं, ये इत्यादि हम कर चुके हैं। आज हमारा है सेवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप, कि क्योंकि सेवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात जब टीचर बन जाते हैं अर्थात या नौकरी अध्यापन कार्य में नौकरी लग जाती है, तो उस दौरान जो प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है शिक्षक के ज्ञान को बढ़ाने के लिए या नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए जो नवीन प्रोग्राम या प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है वे सेवा कार्य प्रशिक्षण कहलाते हैं। परंतु ये कार्यक्रम जो है किस तरीके के होते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का आयोजन किस तरीके कैसे कराया जाता है जिसमें अध्यापक से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर ले और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो या विद्यालय का अध्यापन कार्य भी प्रभावित ना हो, तो इसका जो स्वरूप है वो इस तरीके से रखा जाता है जिससे शिक्षक क्रमवार एक एक दो दो अध्यापक विद्यालय के जाकर उससे संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करके आते हैं और विद्यालय के अन्य विद्यार्थी अपने साथियों को भी उस नवीन प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी वो उस प्रशिक्षण में नई जानकारी प्राप्त करके आते हैं उस नई जानकारी के बारे में अपने साथियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उस क्वेश्चन ये है कि उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, कि काम भी हो जाए, शिक्षक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर ले और विद्यालय का कार्य भी प्रभावित नहीं हो। तो इसके लिए समय समय पर विद्यालय में प्रशिक्षण किए जाते हैं। ग्रीष्मकाल छुट्टियां पड़ती हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 से 15 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें अध्यापक क्रमवार, जैसे एक विद्यालय के 5 विद्यार्थी अध्यापक हैं तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दूसरों को दी जाती है, उसके बाद अन्य को दी जाती है, ऐसे करके सबका प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रीष्मकाल में रखा जाता है और उनको वर्ष पर्यंत जो जो टेक्नोलॉजी जो जो नवीन ज्ञान देना है उससे संबंधित जानकारियों से या उनका प्रशिक्षण उनको प्रदान कराया जाता है। तो उसके स्वरूप में पहला है और छठा
गहन गहन पाठ्यक्रम गहन पाठ्यक्रम और अगला है कार्यशाला इसके बाद में सिंपोजियम इसके बाद शैक्षिक सम्मेलन प्रसार केंद्र और इसके बाद है अल्पकालीन अल्पकालीन पाठ्यक्रम अल्पकालीन पाठ्यक्रम और इसके बाद है प्रकाशन विभाग और ये जो स्वरूप जो प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उसका जो स्वरूप है उसमें जो है पहला है अभिविन्यास पाठ्यक्रम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जिस विषय से संबंधित नवीन जानकारी अध्यापक को प्रदान करनी है या उसका प्रशिक्षण देना है उससे संबंधित जो है प्रशिक्षण के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम या उससे संबंधित जानकारी के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है और उस विशेष कक्षाओं में शिक्षक को जो है अध्ययन अध्यापन करने पर बल दिया जाता है या विषय से संबंधित जानकारी का अध्यापन कार्य बारे में नवीन जानकारी प्रदान की जाती है। आप जब बीएड करने आए थे तब आपको बीएड के अंतर्गत क्या क्या कार्य कराए जाएंगे क्या क्या विषय हैं किन विषयों में क्या क्या कार्य कराए जाएंगे इससे संबंधित सबसे पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जिसमें उस प्रशिक्षण में उस बीएड पाठ्यक्रम के अंत के बारे में समस्त जानकारी आपको विषयवार प्रदान करी गई थी विशेषताओं के बारे में बताया गया था। उसके बाद है अवकाशकालीन पाठ्यक्रम अवकाशकालीन पाठ्यक्रम में जब छुट्टियां पड़ती हैं शैक्षणिक सत्र में छुट्टियां पड़ती हैं उस शैक्षणिक अवकाश के समय में शिक्षक को प्रशिक्षण लेने के लिए मोटिवेट किया जाता है या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और उस कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए उनकी ट्रेनिंग में उनको भेजा जाता है जिसका वो लाभ उठाकर आते हैं और अन्य सभी को उस नवीन जानकारी से अवगत कराते हैं। उसके बाद है सिंपोजियम ये प्रोग्राम से जो कार्य होता है किसी विषय विषय के बारे में जानकारी के लिए इसका आयोजन किया जाता है और अंतराल पाठ्यक्रम गैप में जो कॉरस्पॉन्ड कोर्सेस होते हैं जिसमें हमको जाना नहीं पड़ता और हम मटेरियल घर पे उपलब्ध करा लेते हैं और उस मटेरियल का स्टडी मटेरियल का अध्ययन करके नवीन जानकारी को हासिल करते हैं और वो कार्यक्रम जो है एक गैप के अंतराल में कराया जाता है कंटिन्यूशन में वह नहीं होता है उसमें 6 महीने का गैप 3 महीने का गैप 2 महीने का गैप इत्यादि रखकर उसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद है शैक्षिक सम्मेलन जो शैक्षिक सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं
ज्ञान के लिए सम्मेलन में जाते हैं और नवीन जानकारी लेकर उसका प्रशिक्षण लेकर आते हैं। फिर है रिफ्रेशर कोर्सेज। इसमें रिफ्रेशर कोर्सेज भी अपने विषय से संबंधित नवीन जानकारी के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये कोर्स जो होते हैं प्रत्येक 5 साल में, कई 3 साल में, 2 साल में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कभी 8 से 10 दिन, 15 दिन जो है उस विषय विषय के बारे में नवीन जानकारी अध्यापक को दी जाती है। और फिर है प्रकाशन विभाग। जो प्रकाशन विभाग है वो नए नए आर्टिकलों के माध्यम से जो है नवीन जानकारी से अध्यापक को अवगत कराते हैं। जो शैक्षणिक पत्र पत्रिकाएं आती हैं उन पत्र पत्रिकाओं में वो नवीन जानकारी होती है जिसको पढ़कर उसके बारे में शिक्षक नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। पत्राचार जो कॉरेस्पॉन्डेंट वाला कोर्स है उसके माध्यम से नवीन जानकारी हासिल करता है। संध्यावाणी प्रोग्राम, सायंकालीन क्लासेस जो है का आयोजन जो किया जाता है वो भी इन सर्विस टीचर्स के लिए किया जाता है, ताकि शाम को वो अपने अतिरिक्त समय में जो 6 घंटे विद्यालय के होते हैं उसके बाद सायंकालीन समय का लाभ उठाकर उस में प्रशिक्षण प्राप्त करे और उस नई जानकारी को हासिल करे। उसके बाद प्रसार केंद्र, सूचना केंद्र जो होते हैं उसमें नई नई वार्ताएं इत्यादि, दूरदर्शन है, रेडियो आकाशवाणी है इत्यादि जो प्रसार केंद्र है वो नई नई वार्ताओं के माध्यम से नई जानकारियां देता है। आगे कार्यशाला, कार्यशालाओं का आयोजन करके जो है किसी भी एक विषय पर संबंधित या विषय की समस्या पर या कोई नई जानकारी से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जाता है और उसमें हम कुछ करके सीखने का प्रयास करते हैं। गहन पाठ्यक्रम जो बहुत गहन रूप से पढ़कर जिसकी जानकारी हासिल की जाती है, तो ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें शिक्षक गहन अध्ययन के माध्यम से कार्यक्रम जो है उसका लाभ उठाता है, उसको पढ़ता है। इस प्रकार से जो है एक शिक्षक को नई नई जानकारियों के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण के स्वरूप सामने आते हैं जो समय समय पर आयोजित किए जाते हैं और जिससे एक शिक्षक अपने ज्ञान को अपडेट करने का प्रयास करता है। अब अगला टॉपिक है सेवारत अध्यापक। सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं और विभिन्न विभिन्न साधन कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं कौन कौन सी है जो समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। उसमें पहली है शिक्षा की राज्य संस्थाएं, जो राज्य के अंदर संस्थाएं हैं जैसे SIRT या जो भी प्रशिक्षण के लिए केंद्र बनाए गए हैं उनमें समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके शिक्षकों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है और ये प्रयास इसी उद्देश्य से किया जाता है कि शिक्षक नवीन जानकारी को हासिल करे। इसमें लिखिए इन संस्थाओं में स्थापना
राज्यों में प्रदान की जाती है। दोनों स्तरों पर
विज्ञान शिक्षा, विज्ञान शिक्षा के गुणात्मक विकास पर विशेष बल दिया जाता है। तीसरी संस्था है अंग्रेजी राज्य संस्थाएं। ये विषयवार संस्थाएं हैं जो अपने विषय से संबंधित नई नई जानकारियां अपने विषय अध्यापकों को देने का प्रयास करती हैं। तो अंग्रेजी की जो भी संस्थाएं हैं वो अंग्रेजी विषय से संबंधित इनोवेशन नवीन जानकारी प्रदान करती है। इसमें लिखिए राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा की 12 संस्थाएं है। केंद्रीय केंद्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान हैदराबाद हैदराबाद में है। ये संस्थान अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षण की अंग्रेजी शिक्षण की प्रविधियों प्रविधियों को सीखने सेवारत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का
कार्यक्रम का आयोजन करती है। अंग्रेजी के अध्यापकों को नवीन ज्ञान की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं देश के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा की जो है 12 संस्थाएं बनी गई हैं और ये संस्थाएं जो है केंद्रीय शिक्षा संस्थान अहमदाबाद द्वारा संचालित होती हैं और इस संस्थान का एक उद्देश्य है कि अंग्रेजी विषय से संबंधित नवीन विधियों प्रविधियों की शिक्षकों को जानकारी प्रदान करना। आगे का जो है कल की कक्षा में और जो है इसके संस्थाएं आगे कल की कक्षा के अंतर्गत करेंगे। मैं कार्यक्रम